तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाख ने आज एसी गार्ड में वाक़े डेफोडिल्स ब्यूटी सैलून एंड कॉलेज फॉर वुमेन तेलंगाना हुकूमत के इश्तराक से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन ब्यूटिशन कोर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने तमाम तालिबात को अच्छी लगन के साथ ट्रेनिंग हासिल करने का मशवरा दिया। आइए सुनते इस खसूस में मज़ीद तफसील उन्हीं की ज़ुबानी। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज हमने डेफोडिल इंस्टीट्यूट की जानिब से, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंटल कोर्स हुआ होता है उसको जो है आज ओपन किया। हमने यहाँ पे आज ऑलरेडी कोर्स शुरू होकर बहुत दिन हो गया था, इलेक्शन कोड होने की वजह से हमने इंस्टीट्यूट को बहुत देर से आना पड़ा, लेकिन कोर्सेस में जो है हमने देखा यहाँ पे बहुत से गरीब लड़कियाँ जो ब्यूटिशन करके आगे चल के जो है वो प्लेसमेंट आगे जॉब करना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए जो है बहुत अच्छे कोर्सेज हमने जो है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अलर्ट किया था। हमने अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आकर देखा बहुत से गरीब लड़कियाँ यहाँ पे कोर्सेज सीखने के बाद जो शादी ब्याह में जाके जो है मेकअप करना ऐसे जो कोर्सेज सीख कर जाके जो अर्न कर रहे हैं उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि आजकल जो है हर महल में एक ब्यूटी एक से नहीं चार ब्यूटी पार्लर होना जरूरत है। तो लिहाजा ब्यूटिशन कोर्सेज यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सी बच्चियाँ इंटरेस्टेड हैं, तो लिहाजा हमने ये तय किया कि इस बार जो है हमने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो अलॉट किया है नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले बजट में हम बहुत से लोगों को जो है ये कोर्सेज सीखने के लिए हम इन्वाइट करेंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर इस साल जो है 1708 लोगों को जो है हम हर दूसरे उसमें जो है कोर्सेज में जो है दाखिला दिलाए हैं। लिहाजा जो है मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम का, डेफोडिल मैडम का जो है यहाँ पे मुझे इनवाइट किया, और जो इंस्टीट्यूट में जो लड़कियाँ सीख रहे हैं बहुत खुशी हुआ देख के। हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। से डिस्ट्रिक्टों को आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हमने बात किया है और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसरों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो सिलेक्शन लिस्ट भिजवाने के लिए। बहुत सी जगह से सिलेक्शन लिस्ट अभी आई नहीं है, तो जितने भी आ गए हैं और हैदराबाद का ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हैदराबाद के सिलेक्शन भी डिप्टी जगह किया गया है, तो जितने भी लिस्ट है हम अपलोड कर दिए हैं। इंशाल्लाह ये हफ्ते में जो है हम लोग सबसे रिलीज़ करेंगे मैक्सिमम। इसमें बजट लैप करने का नहीं रहता, ऑलरेडी हमको जो है गवर्नमेंट के जाने से हमको जो है हमारे एमएससी में जो है बजट आ चुका है। जो ये महीने में हम लोग जितने भी अप्लीकेशन अप्रूवल होकर आएंगे हम अपलोड कर देंगे और सब्सिडी रिलीज करेंगे। ये वीक में होंगे इंशाल्लाह, ये वीक में 31 तक हम जितने आई करेंगे और अप्रैल 1 वीक तक हम कोशिश करके जितना हो सकता है हम मंगा रहे हैं। आज भी हम कई DMWs को फोन करें, कई कलेक्टर्स को फोन करके जल्द से जल्द भिजवाएं ताकि हमको जो है रमजान से पहले हम जो है सब्सिडी रिलीज करना चाहते हैं। लिहाजा जो इसमें कोई लैप्स होने का कोई गुंजाइश नहीं है, हम बिल्कुल अप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेके हम ऑलरेडी कोशिश में हैं। जितने डिस्ट्रिक्टों से अप्लीकेशन आएंगे अप्रूवल होकर आए हैं वो लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं।